भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अयोध्या में हैं और उन्होंने अयोध्या में रोड शो करने के बाद अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की एक दलित बस्ती में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जंक्शन से उद्घाटन करने के बाद सड़क मार्ग के जरिए ही अयोध्या के राजघाट मोहल्ले में स्थित एक दलित के घर पहुंच गए। उन्होंने चाय पी और परिवार वालों से बातचीत की, पूछा कि किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मीरा के बच्चों से भी बातचीत की, उन्हें दुलारा। मीरा के पति सूरज माझी पीएम के घर आने से बहुत ही भाव विभोर थे। बोले कि यकीन नहीं हो रहा है कि पीएम हमारे घर आए थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। सूरज मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। उनके पिता धनीराम माझी गोताखोर हैं। पीएम आवास मिलने से पहले वे जर्जर मकान में रहते थे। बरसात में घर में पानी भर जाता था। पीएम आवास मिलने के बाद स्थिति सुधरी। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएमओ के अनुसार 240 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित 3 मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन भवन, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरतों के लिए दुकानें, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। स्टेशन भवन सभी के लिए सुलभ और IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।